किसी भी तरह की कोई नॉइस नहीं है इसमें, ये कुछ ग्रीस टाइप। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है सरफराज और आप देख रहे हैं ऑल द थिंग टैक। दोस्तों, बहुत दिनों से मैंने अपनी बाइक में कुछ काम नहीं किया हुआ था, तो मैंने सोचा कि आज मैं इसी के ऊपर एक वीडियो बना दूं। दोस्तों, ये है मेरी बाइक पल्सर 150। इसकी जो चैन है ये देखिए, चलते टाइम बहुत ज्यादा नॉइस करता है, बहुत ज्यादा नॉइस आती है इसमें से, तो आज मैं इसी को रिपेयर करने वाला हूँ और इसी की वीडियो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। अभी मैं वीडियो भी अपने उसी ट्राइपॉड से शूट कर रहा हूँ जो मैंने आपको बना करके दिखाया था। सबसे पहले हम खोलेंगे इसका चैन कवर और इसका ये गियर का सेडल और ये वाला हिस्सा। ओके, तो सबसे पहले हम इसका गियर सेडल खोल लेते हैं। इसमें भी 8 नंबर के ही लगने हैं। ये जो हमारा गियर सेडल था इसके बिल्कुल नीचे, गंदगी इसमें भरी पड़ी है। इस सारा ये डस्ट है, बहुत ही ज्यादा इसमें डस्ट हो रखा है, जिसकी वजह से शायद नॉइस भी होती है और प्रॉब्लम भी होती है। अब हम इसका चेंबर खोल लेंगे, इसमें ये 10 नंबर के स्क्रू रखते हैं। ये भी सिर्फ 2 स्क्रूज में निकाल होता है, उसके बाद बाहर आ जाता है। दोस्तों, इस चैन कवर में भी बहुत सारा डस्ट जमा हुआ है, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखिए, चेन भी आप लोग देख सकते हैं। मैं ये ऊपर वाला भी इसको भी खोलूंगा। ओके, चलिए खोल लेते हैं। इस चैन कवर के यहाँ का स्क्रू खोलने के लिए पहले हमें इसको खोलना पड़ेगा। हालत खराब है इसकी, ये मैंने इसको करीबन 2-3 महीने से वॉश नहीं किया है। दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग कितना डस्ट है इसमें, क्या हाल है इसका। ओके कि जो थोड़ा मोड़ा डस्ट होगा वो हम वॉश करके बाइक को निकाल लेंगे। इस पार्ट को क्लीन कर लेते हैं। ओके, इसको भी हमने लगभग वॉश कर लिया है, बाकी पानी से इसको वॉश कर लेंगे अब हम। ओके, उसी तरीके से अब हम अपने चेन कवर को भी वॉश कर लेते हैं। ये देखिए, इसमें बहुत ही ज्यादा डस्ट है, देख सकते हैं आप। दोस्तों, मैंने इसे भी क्लीन कर लिया है, बाकी मैं इसको वॉश करके क्लीन कर दूंगा। तो दोस्तों, गाड़ी को हमने गैराज में लगा लिया है, अब हम वॉश करेंगे। दोस्तों, सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इसमें थोड़ा सा केरोसिन ऑयल है, देख सकते हैं इसमें। अब हम इसमें एक थोड़ा सा क्लीन वाटर को ला लेंगे, एक शैम्पू इसमें मिक्स कर लेते हैं। क्या हाँ करते हैं, शेक कर लेते हैं। दोस्तों, देख सकते हो आप लोग, इस चेन बिल्कुल नए जैसे क्लीन हो गई है। इसको देख सकते हो चेन को, और चेन सेट को भी देख सकते हो। दोस्तों, इसकी चेन को ल्यूक करने के लिए मैं यूज करूंगा ये रोल ऑन का चेन ल्यूक। रॉयल एनफील्ड बाइक का पूरा चेन सेट इसी कंपनी का आता है, इसलिए मैं इसको
ज्यादा रिकमेंड करता हूँ और ये बहुत सस्ता भी है। ये 110 रुपए में मुझे मिला है। इसका हालांकि आप देख सकते हैं 125 रुपए है ओके, लेकिन मुझे ये 110 रुपए मिला है। चलिए इसको खोलते हैं, ये इस तरीके से खुल जाएगा और इस नोजल की हेल्प से हम इसको स्प्रे कर। दोस्तों इस तरीके से आप अपने बाइक की चैन को ल्यूब कर सकते हैं, जिससे आपकी बाइक बिल्कुल मक्खन जैसी चलेगी, बोले तो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी और बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगी आपकी बाइक। स्पीड में, पिकअप में, हर चीज़ में बहुत ही क्लीन, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है हमारी बाइक की चेन सेट। तो ये हमारा जितना क्लीन रहेगा उतना ही हमारी बाइक अच्छा परफॉर्मेंस देगी। दोस्तों आप यहाँ भी देख सकते हैं ये बिल्कुल ही क्लीन हो चुका है और किसी भी तरह की कोई नॉइस नहीं है इसमें। और एक चीज़ और बहुत अच्छी चीज़ है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये इस चीज़ को, ये देखिए चैन को बिल्कुल ही स्मूथ बनाए रखेगा। ये देखिए ये कुछ ग्रीस टाइप का छोड़ रहा है, देखिए वाह मजा आ गया। चलिए अब हम इसके हर पार्ट को क्लीन कर लिया, देख सकते प्लीज लाइक जरूर कर दें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सबसे पहले आप मेरी वीडियो को देख पाए। तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में कुछ नया लेकर के, कुछ नई सोच के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सलाम और नमस्कार।